क्यों नाराज हो गए थे प्रकाश राज, कौन सा रिकॉर्ड बनाया था अरबाज खान ने और किसने तोड़ा उनका ये रिकॉर्ड, दबंग 2 के कानों की क्या है खासियत, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त और होस्ट मैं अनविता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों ये बात तो सही है कि बॉलीवुड वालों को अगर किसी हिट फिल्म का फॉर्मूला मिल जाए तो उसके 2 नहीं 3 नहीं न जाने कितने पार्ट्स दर्शकों के सामने ले आते हैं। ऐसा ही कुछ सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के साथ भी हुआ। सबको लगा था कि मेकर्स महज पैसे कमाने के लिए दबंग 2 ला रहे हैं जबकि इसकी कहानी में कोई दम नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में ऐसी कई और रोचक और दिलचस्प बातें। गौरतलब है कि पहली फिल्म को अभिनव कश्यप ने निर्देशित किया था लेकिन उन्होंने दबंग 2 को निर्देशित करने के लिए साफ इनकार कर दिया जिसके बाद अरबाज को इसका जिम्मा उठाना पड़ा। बतौर निर्देशक ये उनकी पहली फिल्म थी। उनके भाई और फिल्म के लीड स्टार सलमान खान के करियर में ये पहली बार था जब वो अपनी किसी फिल्म के सीक्वल के लीड रोल में थे। फिल्म में नेगेटिव रोल में प्रकाश राज थे परंतु आपको बता दें कि फिल्म में अपने किरदार की लेंथ से वे खासे नाराज थे और उन्होंने डबिंग करने से भी मना कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद उनकी आवाज को अरबाज खान को एक डबिंग आर्टिस्ट से डब कराना पड़ा था। खास बात यह है कि दबंग और दबंग 2 में विलेन बने दोनों ही किरदार साउथ इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स हैं। किसी डेब्यूटेंट निर्देशक के द्वारा बनाई गई ये तब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। हालांकि 2014 में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने किक को निर्देशित करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दबंग में जहां मलाइका अरोड़ा ने मुन्नी बदनाम हुई वाले आइटम सॉन्ग में कमाल दिखाया तो वहीं दबंग 2 में करीना कपूर ने भी चिपका ले सैया फेविकॉल से नाम का एक आइटम नंबर किया था। बात अगर फिल्मों के गानों की जाए तो गानों में एक बेहद ही खास चीज देखने को मिलती है। दोनों ही फिल्मों में साजिद वाजिद की जोड़ी ने संगीत दिया था वहीं दबंग 2 के गाने सभी ऐसा लगता है कि दबंग के आगे बने हैं जैसे तेरे मस्त मस्त दो नैन और दूसरी फिल्म में दगा बाज रे। अब बात दबंग 4 की करें तो उससे जुड़ी कई बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें सलमान खान लीड रोल में तो सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नेगेटिव किरदार में होंगे। प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक बार फिर से साजिद वाजिद संगीत देंगे। जी हाँ, साजिद खान और वाजिद खान की जोड़ी भले ही वाजिद के गुजर जाने के बाद अब टूट चुकी है परंतु वाजिद को सबके दिलों में जिंदा रखने के लिए साजिद ने अपने भाई का ही नाम अपना सरनेम बना लिया था। तो फिल्म से जुड़ी और भी कई बातें आपको आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड हॉलीवुड और टॉलीवुड की मजेदार जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।